दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गुमने किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और आप श्रुति के सामने सही कुछ ऐसा करेगी जो कि विराट के और पुलकित दोनों के होश उड़ा देगी। जी हां दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि अब पुलकित को मिलेगा बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन करने का काम, और वो हॉस्पिटल में श्रुति का केस हैंडल करने वाला है, और ये ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए पुलकित को हैंडओवर किया जाएगा। वही इशू यहाँ पर सही उसके असिस्टेंट बनकर यहाँ काम करने वाली है, यानी कि एज ए प्रैक्टिस वो उसके अंडर में काम करेगी। तो वही देखने को मिलेगा कि उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि ये वही श्रुति है विराट वाली, और देखने को मिलने वाला है कि विराट की एंट्री होती है जिसे देखकर पुलकित तो सही के होश उठ जाते हैं। और सही जब यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर श्रुति से काफी कुछ पूछ लेती है कि आपकी शादी कब हुई थी और आपके पति कहाँ हैं, जिसके बाद में श्रुति 1.5 साल का नाम लेती है, और सही और विराट की शादी को भी 1 साल ही हुआ है। इसके बाद शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आएगा। अब देखने को मिलेगा कि श्रुति यहाँ पर विराट को अपना पति बता देगी, और उसे पता भी नहीं होगा कि उसके सामने सही खड़ी है और उसका उसकी वाइफ है। और सही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विराट कुछ कहे उससे पहले सही विराट को पहचानने से इनकार कर देगी, और यहाँ पर अनजान की तरह बिहेव करने वाली है जैसे कि वो कोई उसे जानती ही नहीं है, और पुलकित भी शॉक्ड हो जाता है लेकिन सही उसे बोलने नहीं देती। इसके बाद में यहाँ पर श्रुति भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है, और यहाँ पर नर्स भी विराट की काफी तारीफ कर देती है कि इन्होंने बच्चे का ध्यान रखा ये वो, और श्रुति भी काफी तारीफ कर देती है, जिसके बाद सही यहाँ पर बुरी तरह से टूट जाती है और फैसला कर लेती है कि वो अब तलाक दे के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो तलाक के पेपर्स लेकर चौहान निवास पहुंचेगी, जहाँ पर अब विराट के पास बोलने को कुछ भी नहीं होता है, और विराट तलाक के पेपर्स पर बिना कुछ कहे यहाँ पर सही के वजह से साइन कर देता है। तो भाई यहाँ पर सही के और विराट की दोनों के तलाक के पेपर साइन तो हो चुके हैं, लेकिन अभी कहानी में तलाक इनका होने नहीं वाला है, क्योंकि श्रुति के सामने सच्चाई आएगी और वो इनके तलाक को रोकते नजर आएगी।